रामपुर शाहबाद तहसील परिसर में मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस समाधान दिवस की अध्यक्षता SDM घनश्याम त्रिपाठी ने की और 43 शिकायती पत्र आए। शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनी गयी। इस समाधान दिवस में क्षेत्र से आए हुए कई शिकायतकर्ताओं ने शिकायतें की कि उनकी पुरानी शिकायतों का भी निस्तारण नहीं हुआ है। इस समाधान दिवस में 43 शिकायतों में से 9 का निस्तारण किया गया। समाधान में आई शिकायतें अधिकतर भूमि की शिकायत आई हैं। इस दौरान सभी विभागों के लोग भी समस्याएं सुनने के लिए मौजूद रहे। CDPO जितेंद्र जायसवाल, नायब तहसीलदार राजेश शर्मा, डॉक्टर तजम्मुल, गण अधिकारी हेम सिंह आदि मौजूद रहे। पत्र आए आज की तहसील दिवस में कुल 43 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका 9 मामलों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। शेष संबंधित विभाग को भेज दिया गया है और एक हफ्ते में उसकी जाँच आख्या वापस आ जाएगी। विशेष प्रार्थना पत्र आया हो इसमें अधिकतर प्रार्थना पत्र संगड़ी बंदर की पैमाइश के बारे में आए हैं और जिसके लिए शिकायतकर्ता को बता दिया गया है कि धारा 24 संहिता के तहत प्रार्थना पत्र दें SDM के न्यायालय पे, तब उसकी पैमाइश संभव है। ज़्यादातर प्रार्थना पत्र इसी बारे में प्राप्त हुए हैं। कुछ आपूर्ति के बारे में भी शिकायत की प्राप्त हुई है कि उनको राशन कार्ड बन गया है, फिर भी राशन नहीं मिल पा रहा है, और कोटे से जाँच के संबंध में शिकायतें भी आई हैं। सर, कुछ भीतर गांव से लोगों का ये कहना है कि जो है लेखपाल ने जो है शौचालयों की जांच की थी नगर पंचायत द्वारा जो निर्मित हैं, उसने सुना है कि उसमें सरकार शुल्क जो है लेखपाल ने ले ली और वो बाकी लोगों से कह दिया कि आप जो है नहीं बनेंगे। उसकी जांच जो है डूडा द्वारा की गई थी, उस नगर पंचायत कर्म द्वारा की गई। लेखपालों की जाँच में ऐसी कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है और फिर भी जाँच करा लिया जाएगा तो उसके बारे में जो भी दोषियों की कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, ऐसा भी प्रार्थना पत्र कोई आया है जो पिछले समाधान दिवस में आया हो और उसका समाधान ना हो पाया हो? 2 प्रार्थना पत्र से आए हैं जी, और जिनका वो संतुष्ट नहीं है। जांच तो हो गई है लेकिन शिकायत से वो संतुष्ट नहीं है, दोबारा उसकी जांच कराई जाएगी।